कुछ ध्यान दीजिए, आज हम बनाने जा रहे हैं 2.5 का छठा क्वेश्चन। देखिए तो आप ध्यान से देखते रहिएगा प्यारे बच्चों, ये शायद छठा क्वेश्चन हो गया था। ओके सॉरी सॉरी सॉरी। तो हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, फटाफट लिखिएगा। 3 3 - 2 इसका 2 3 राइट, 5 2t + 1 जो कभी बार बार अगर गुना कर दें इसको, गुना कर दिया 3t + 9 - 9 इसको मल्टीप्लाई करो 10t, इसको इससे करो 5 राइट, टी को टी के साथ 3t - 10t = 5 + 9 ये हुई -7t इसका 2 14 हो जाएगा -14 / 7 = 2 कितना गया डियर, 8 15 - 4 -2 - -9 + 5 + 6 राइट, गुणा करिए 15 - 60 - 2 / 18 + 5 / 30 = 0 ओके, बाय को बाय के साथ बाय 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 साथ साथ -2 / 5 / 60 / 18 + 30 = 0 राइट। अब यह कितना हो जाएगा 15 + 20 - -2 - इसको प्लस करो 60 + 48 = 0 इसको माइनस करो 18 - 12 करो कितना 0 इसको माइनस करो कितना आगे बस 12। अब हम 18 / 12 तो हमने हमने क्या किया मल्टीप्लाई करने से उल्टा होता है 12 = 12/18 कट जाएगा 6 × 12 = 18 2/3 तो ये आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप हमें बोल दीजिएगा ठीक है, और कमेंट कर दीजिएगा। आप अगले सबसे क्वेश्चन कराने जाओ माँ ध्यान दीजिएगा है ना। देखिए नौ माँ यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 3 5 5 - 7 - 2 9 - 7 राइट, 11 11 इसका 2 4 8 - 13 - 17 देखिए गुना करिए 15 z गुना करिए 21 गुना करिए 18 z इसको गुना करिए +22 गुना करिए मल्टीप्लाई करिए 32 ये इसको मल्टीप्लाई करिए 52 - 17 ओके जेड जेड एक साथ 15 z - 18 z - 32 z = ओके यहाँ जेड कर दिया। अब अंक है अंक के साथ -52 - 17 = 17 इसको दे भेजो 21 इसके इधर -22 राइट, आगे देखो इसको जोड़ दिया 15 z माइनस में है कितना हो गया 50। अब देखिए माइनस में जोड़ दिया 7 2 9 यानी -69 -22 + 21 राइट, हमने इसको यहाँ लिख रहा है कितना हो गया इसका 9 2 11 यानी 91 + 21 राइट। अब कितना हो गया 15 - 35 35 राइट, इसको मान लो कितना आ जाएगा 70 -35 जेड से कट जाएगा इसे भी कट गया जेड तो मान लो ठीक है बच्चों। तो नौवां क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, कोई लाइन प्रॉब्लम है मैंने कॉम्प्लिकेशन किया है और मैंने जेड को जेड दे सकती है।
आगे जो भी कोई वोट आपको समझ में नहीं आ रहा हो कमेंट करने की कोशिश करेंगे और फिर हम आगे की ओर हमने नीति को देखिए 0.25 4A3 बराबर 0.05 ब्रैकेट 10A-1 राइट। क्वांट के बदले में एक होता है, क्वांट के बदले में एक होता है, जितना अंक उतना जीरो होता है, यानी कि 4A-3 5/100 राइट। 10A-9 इसे ही आपका कट गया राइट। दुगुना करो 100A इसे करो 75 मतलब ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसे करो 50A-45 राइट। F के साथ 100A-50A बराबर -45 इसको इधर भेजो +75 अभी कितना होगा बेटा 50A अभी कितना हो जाएगा 30 ए बराबर 30/50 कट गया 3/5 10 से दोनों कट गया 10 से 30 6/50 आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो पसंद करें लाइक करें।